उस टाइम ये जब आए तो हम पूछे नहीं कि क्या हुआ था, क्योंकि हमें भी जानना जरूरी है कि मतलब क्या उस प्रोग्राम में हुआ था। तो चलिए इनसे आप लोग के सामने ही पूछती हूँ कि क्या क्या हुआ था उस प्रोग्राम में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ शशि राय और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल उड़न खटोला ब्लॉग में। तो गाइस, घड़ी में आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि 11:05 हो गया है और आज है आद्या का स्कूल में पेरेंट ओरिएंटेशन। कुछ उसी में जाना है पेरेंट्स को, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो आद्या को भी लेके जाना पड़ेगा, तो आद्या के पापा ही जाएंगे। और दिखाती हूँ आद्या के पापा अभी क्या कर रहे हैं। तो इनको ब्रेकफास्ट दे दी हूँ, ये रेडी हो गए हैं नहा धो के और ये कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। जो भी उनका ऑब्जर्वेशन होगा आपके बच्चों को लेके, हमको ये लग रहा है कि मतलब तो फीडबैक देंगे कि मतलब क्या है। और अटेंड करना चाहिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो या पेरेंट ओरिएंटेशन मीटिंग हो तो अटेंड करना चाहिए पेरेंट्स को। कोशिश करना चाहिए कि जाए ही जाए, क्योंकि इस तरह से एक तो आपका टेंशन पता चलता है अपने बच्चे के प्रति, और दूसरा ये होता है कि टीचर भी अंडरस्टैंड करते हैं कि मतलब पेरेंट्स इसके कितना केयरफुल है अपने बच्चे को लेके। और आद्या जो है इधर खेल रही हैं, ये बोल रही है, क्या बोल रही थी बेटा, आपको कौन डांटा था स्कूल में? मैम डांटा था। मैम डांटा था, क्या बोला था मैम? लगाई थी। बताओ मैम क्या बोली थी आपको? मैम रुलाई थी। आप बता देना कि मेरी बेटी ना पता नहीं क्या क्या आप लोग के बारे में कहते रहती है, क्या ये सच है? आपकी मैम ना, आपकी मैम वीडियो देखती हैं, और अगर आप सच सच बोलती हो तब तो कोई बात नहीं, अगर तुम कहीं झूठ गलत बोल रही होगी तब तो आद्या समझ जाओ। मैम ना ब्लॉग देखती हैं हम लोगों का। अच्छा सच बताओ, दीदी डांटी थी कि मैम डांटी थी? दीदी क्या बोली थी? मैं उसको बंद कर दूंगा, कोई बच्चा स्लाइड नहीं करेगा। तो गाइस ये देखिए मेरा बन गया है, ये बना है तरोई और चने की सब्जी बना दी हूँ, इधर सैलेड काट के रख दी हूँ। इसमें बन गया है मेरा दाल, ये देखिए, और चावल भी बना चुकी हूँ। तो जाइए और उधर से दूध भी लेते आइएगा, दही नहीं लीजिएगा, दही है। हाँ, झोला क्यों ले रहे? दूध लाने में आसानी रहती है। तो आप अर्ली हो जाओगे, 11:30 से टाइम हो गया ना। चलिए ठीक है, गो बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस यहाँ पे आद्या को मैं नहला दी हूँ, ओम नमः शिवाय हो गया है। क्या हुआ है आद्या? मैं टकला को भी ना। हाँ, आपके सर को भी मम्मा ना पानी से धुली है, नहलाई है सर को भी, इसको भी क्लीन रखना बहुत जरूरी होता है बेटा। ठीक है, ठीक है, क्लीन रखा जाता है, नहाया जाता है सर से। तो इनको नहा धुआ के मैं कपड़े पहना चुकी हूँ, मसाज भी इनका हो चुका है, पहले मसाज ही की थी फिर उसके बाद इनको नहलाई हूँ, ओम नमः शिवाय करवाई हूँ। और आद्या के पापा तो गए हैं इनके स्कूल में, आज प्रोग्राम है। तो उसी में गए हैं, छुट्टी गई मेरी। हाँ, और आद्या का बस छुट्टी है, टीचर और पेरेंट्स की छुट्टी नहीं है, नहीं है। हाँ, तो गाइस चलती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, और आद्या के पापा को आने में अभी टाइम लग जाएगा, एक बजे तक तो प्रोग्राम ही है। What is the mission of the school? What is the vision of the school? What is the philosophy, pedagogy what we follow? So we are going to give you a demonstration,
एंड इट इज नॉट अ लेक्चर सेशन एट ऑल बिकॉज़ वी आर इन अ प्री स्कूल। मेरा भी जाने का मन था, लेकिन ये था ना कि मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ था कि चिल्ड्रेन को अपने साथ लेके नहीं आना है, घर पे छोड़ के आना है। तो फिर हम दोनों जाते तो फिर उसको कहाँ छोड़ के जाते, इसलिए मैं नहीं गई, आद्या के पापा ही गए हैं। कोई आए मेरा दिल थामने। तो गाइज यहाँ पे खाना निकाल के आद्या के पापा का इंतजार कर रही हूँ। इधर देखिए मेरा भी निकल गया है, ये मेरा है, ये आद्या का पापा का है, और ये देखिए ये छानी हूँ खोफी। तो ये देखिए आ गए गाड़ी लेके, ये आए, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, अब ऊपर आ रहे हैं ये। यार मैं कब से मतलब इंतजार कर रही थी, भूखन मेरा जी छटपटा रहा था बस। और मैं खा नहीं रही थी, खा लियो, नहीं खा रही थी यार, खाना भी निकाल के देख रही थी कब आओगे। क्या कर रही हो आद्या? आद्या हम गए हैं ना, तबे का ये उठी हुई है किसी तरह, मैं एक घंटा बैठी थी उधर ही। मॉर्निंग हो गई है, गेट अप। हे गाइस, तो रात हो चुकी है, रात को 11:20 हुआ है और आद्या को सुला के आए हैं। बीच में लाइट भी कट गई थी, इस वजह से भी मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, वीडियो नहीं बीच में ले पाए। तो आंख आप लोग देख ही रहे होंगे कि चढ़ रहा है नींद के मारे, दोपहर में भी सोने को नहीं मिल पा रहा है। तो जैसा कि हमने बताया था वीडियो में कि आज जो है आद्या के स्कूल में पेरेंट ओरिएंटेशन था प्रोग्राम, तो ये गए थे, पर हम उस टाइम ये जब आए तो हम पूछे नहीं कि क्या हुआ था, क्योंकि हमें भी जानना ज़रूरी है कि मतलब क्या उस प्रोग्राम में हुआ था। तो चलिए इनसे आप लोग के सामने ही पूछती हूँ कि क्या क्या हुआ था उस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम लोगों को वैसे ही बच्चों वाला मतलब खेल खिलाया गया कि स्टॉप बोलने पे वॉक करना है, वॉक बोलने पे स्टॉप करना है, क्लैप करना है, हे हा 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 करना है। तो बेसिकली थोड़ा सा मतलब मूव लाइट किया गया है और मतलब थोड़ा सा बचपना लाने की कोशिश करी गई कई पेरेंट्स के अंदर भी कि वो थॉट प्रोसेस वो समझ भी पाएंगे। फिर बताया गया कि स्कूल में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा ओवर हाई लेवल व्यू भी दिया कि जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है 2 साल पहले, तो वो इम्प्लीमेंट हो रही है, उसमें अब क्या होने वाला है, कैसे मतलब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सारी टीचर्स अपना बता रही थी कि मतलब हम कैसे सिखाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल करके सिखाते हैं, तो यही सब बताया गया है। और दूसरा ये बताया गया है कि मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स को क्या करना है। तो पेरेंट्स में ये है कि आप कोशिश करो कि बच्चा प्रॉपर शेड्यूल के ऊपर सोए, उसकी नींद पूरी हो, स्कूल जा रहा है तो ऐसा नहीं हो कि मतलब स्कूल जा रहा है उसको नींद आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो उनको नींद आ रही है तो वो फिर मतलब वो उतना एक्टिव नहीं रहते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि उनको यह सुबह सुबह रहता है तो बच्चे हैं, पर पेरेंट्स क्या करते हैं कि मतलब उनको बिना खाए स्कूल में भेज देते हैं कि स्कूल में खाना तो मिल ही जाएगा, तो वो बच्चा क्या रहता है कि रात भर का सोया रहता है, सुबह उठ के उसको बहुत जल्द वो हंगरी फील करने लगता है, इससे भी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। और तीसरा ये है कि जो वीकेंड पे होमवर्क देते हैं बच्चों को, तो ये नहीं कि आप ही लोग होमवर्क उसका कर दो, तो इधर बच्चा करेगा नहीं कर रहा है तो इधर मम्मियाँ होमवर्क कर दे रही है, लिख दे रही है कि चलो मेरा बच्चे का होमवर्क सबसे बेस्ट रहेगा।
ये नहीं करना है, बच्चा कैसा भी करे, गलत करे सही करे, पर उसी को होमवर्क करने देना है। और चौथी चीज़ ये है कि बहुत इम्पॉर्टेंट, बच्चों को रोज रीडिंग करना है। तो आप बच्चों को गोद में लें, किताब को लें, बच्चों वाली किताब को, और उसमें उंगली से मतलब घुमा घुमा के वर्ड के ऊपर रख रख के उसको धीरे धीरे बच्चे के साथ पढ़ना है। तो गाइस कुल मिला के आप लोग सुने ही होंगे कि क्या क्या वहाँ पे प्रोग्राम में हुआ, और टीचर जो थी वो सारी चीज़ें मतलब बता रही थी कि हम कैसे पढ़ाते हैं, फिर आप लोग का उसमें क्या योगदान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे का नींद प्रॉपर नहीं हुआ हो और आप स्कूल भेज दे रहे हैं तो बच्चे का नींद आता रहेगा, तो यही सब चीज़ें उसमें बेसिकली सिखाया गया है। तो इन सब चीज़ों को पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है स्कूल भेजने के साथ साथ, तो यही सारी चीज़ें उस प्रोग्राम में बताया गया है। दोनों मदर फादर दोनों को इस चीज़ के नॉलेज होना चाहिए, तो मुझे भी पता चल गया। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर से मिलेंगे न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इन सारी बातों का मैं ध्यान रखूँगी आगे से, और मेरे चैनल वरुण खटोला ब्लॉग को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।